जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ओआरओपी केवल ओआरओपी, और कर्नल साहब को क्यों छिपाना पड़ा अपना मुंह? क्या इसमें पूर्व सैनिकों का हाथ था? अगर हाथ था तो भी ठीक है, और नहीं था तो भी ठीक है। वैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर थंबनेल में आपको दिखाया है, इंडिकेट किया है कि थे कि नहीं थे, ये आप देख सकते हो। अगर नहीं थे तो राजनीति आपको सिखा देगी। जैसा आप सभी जानते हो, 29 अप्रैल को FBI राजस्थान में जयपुर के अंदर एक महारैली करने जा रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर रैली करने की इजाज़त नहीं दी, परमिशन नहीं दी। अब क्या वहाँ रैलियाँ नहीं होंगी? राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ रैलियाँ नहीं करेंगी? अच्छे से रैलियाँ करेंगी, और आपको परमिशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपने करना क्या है? ये राजनीति अपने आप में खुद सिखाती है। जिस तरीके से कर्नल साहब पिछले हफ्ते जयपुर गए और वहाँ पर उनका विरोध हुआ, देखिए आप खुद किस तरीके से उनका विरोध हुआ। तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से विरोध हुआ। अगर आपको रैली करने की इजाज़त नहीं मिल रही है, तो जब जब गवर्नमेंट की तरफ से रैलियां होती हैं, जब जब ऐसे मौके आते हैं, तो आपने वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर अपना इसी तरीके से विरोध जताना है। आप अपनी टोपी कैप पॉकेट में रख के ले जाइए, छिपा के ले जाइए, और जब सही समय पर आता है एक साथ यूनिफॉर्मिटी के साथ अपने कैप लगाइए, पहनिए और खुलकर विरोध कीजिए, ताकि ये संदेश चला जाए पूर्व सैनिकों की तरफ से कि अगर उनकी जायज मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो आपके खिलाफ है। जब एक रास्ता रुकता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है, और ये खुद पॉलिटिकल पार्टियां आपको बता देंगी किस तरीके से आपने अपना विरोध जताना है। लेकिन एकत्रित होकर आपको निकलना तो पड़ेगा। जहाँ भी मौका मिलता है चारों तरफ से सारे एकत्रित हो जाइए और रोड पर आ जाइए और अपना विरोध जता दीजिए, ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए, ताकि गवर्नमेंट की आंखें खुलें और उनको पता चले कि पूर्व सैनिक बैठा नहीं है, शांत नहीं है, वो सही मौके पर अपना वार करेगा। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।